तो नौकरी तो आप दे नहीं रहे हैं, बल्कि शिक्षा में एक अभूलचूल परिवर्तन आप हर महीने करते चले जा रहे हैं। कुमार जी, इस्तीफा नहीं करवाएंगे और शिक्षक की भर्ती में डोमिसाइल नीति अगर जारी नहीं करते हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक नीतीश कुमार को चैन से गिने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी जिला मुंगेर की ओर से राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव प्रदर्शन पर पुलिस के द्वारा क्रूरता पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लाठीचार्ज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता के हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की मुंगेर जिला इकाई ने जिलाध्यक्ष डॉक्टर अरुण पोदार के नेतृत्व में बिहार के लाचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकाला, वहीं जमकर नारेबाजी की। देखिए, किस तरह से तांडव किया गया और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे वो शांतिप्रिय ढंग से अपने मांगों को लेकर जा रहे थे विधानसभा मार्च में, और वहाँ के प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री का जो है हिटलर शाही के तहत हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं को मार करके तोड़ दिया गया, और मुझे भी चोट लगी है, हम भी कल थे, और हमारा एक जुझारू कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता इस बात को एहसास करा देगी नीतीश सरकार को, और कल हम लोग का एक दिवसीय धरना भी है। क्या नाम? मेरा नाम प्रदेश मंत्री बेबी चंकी है। ये जो सरकार है ये अपने मैनिफेस्टो में 10 लाख नौकरी देने की वादा किया था, लेकिन आज 8 महीना 9 महीना होने के बाद भी 10 महीना करीब हो चला है, अब तक ये अपने कलम से जो शिक्षक नियोजित थे या जो SC ST जो भी कंप्लीट बच्चा था उनको इन्होंने खामखा एक BPSC के माध्यम से बाहर करने के लिए सोच लिया, जबकि जो व्यक्ति आज 15 वर्ष से एक नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा है और उसको आप जो है फिर टर्मिनेट करके एक नए नीति के तहत आप उसकी बहाली करेंगे, ये जो 10 साल 15 साल की जो उसकी नौकरी है वह खत्म हो जाएगी। तो नौकरी तो आप दे नहीं रहे हैं, बल्कि शिक्षा में एक अभूलचूल परिवर्तन आप हर महीने करते चले जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यह सोचकर कि शिक्षक जो है उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको सरकारी दर्जा उसकी नौकरी को मिलना चाहिए, इसके लिए शांतिपूर्ण ढंग से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा वो एक आंदोलन कल किया गया, शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन तानाशाही नीतीश कुमार ने जिस बर्बरता के साथ पुलिसिया गुंडों के द्वारा उनको पीटा गया, हमारे कार्यकर्ता को पीटा गया, हजारों कार्यकर्ता का कल सर फूट गया है, हमको 4 लाठी लगा है, हमारे दीपक यादव जी एक कार्यकर्ता है, मंत्री हैं जिला के, उनका पूरा पीठ फट गया है, तो विधायक को चोट लगा है, एक मौत हो गई है जो जहानाबाद का, भारतीय जनता पार्टी का जो है वह जिला का महामंत्री था विजय कुमार सिंह, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी आज हम लोग पूरे बिहार के अंदर एक काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, और तानाशाही मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। एक अरुण कुमार पोद्दार, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष। एक चीज, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस था, आज एक भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री के साथ सदन में बैठकर किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिटवा रहे हैं। कहां है नीतीश जी आपका जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर? इसी को लेकर जब तक नीतीश कुमार जी इस्तीफा नहीं करवाएंगे
और शिक्षक की भर्ती में डोमिसाइल नीति अगर जारी नहीं करते हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक नीतीश कुमार को चैन से गिने नहीं देगी।